रमेश भाई, सिवनी में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट एक अच्छी पहल आपके द्वारा की जा रही है, क्या क्या फायदे मिलेंगे हॉकी को उसमें? हॉकी में सबसे पहले शहर को फायदा ये मिलेगा कि हॉकी का स्तर अभी इस कंडीशन में अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है सिवनी का। जो पहले हॉकी हुआ करती थी सिवनी की, जो लोग सिवनी को हॉकी के नाम से जाना करते थे, वो हॉकी अब पहले जैसे नहीं रही है। हम इस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए हैं कि ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा, जो लोग जाने और देखें कि कम बजट में 5 से 6 लाख रुपए में हम एक अच्छा अरेंजमेंट, अच्छा टूर्नामेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी टीमें आने की संभावना है देश भर की इसमें? इस टूर्नामेंट में अभी हम 14 टीमें आने की संभावना है, और ज़्यादा टीमें हमारे से कर रही हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ 14 टीम पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन सी टीमें, कुछ टीमें जो विशेष लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगी? अभी इस टूर्नामेंट में जिस टीमों से कांटेक्ट हुआ है, जिसमें भोपाल मानसरोवर यूनिवर्सिटी भोपाल है, हॉकी ग्वालियर है, हॉकी जबलपुर है, हॉकी इटारसी है, हॉकी बालाघाट, हॉकी बैतूल, अमरावती महाराष्ट्र सोफियान क्लब, इटावा यूपी, और आर्टलरी नासिक, और भी कई टीमें हैं जो हमसे, जिनके हम संपर्क में हैं, उनसे संपर्क कंफर्म हो जाएगा तो हम उस टीम का नाम डिक्लेयर कर देंगे। कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो सिवनी के दर्शक या एतराब के दर्शक जिन्हें टीवी में देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल या ओलंपिक स्तर पर, तो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो इस टूर्नामेंट का आकर्षण बनेंगे? टीवी में देखने के लिए सबसे अच्छी टीम अभी भोपाल है, जिसमें अफ़ान यूसुफ है, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, नियाज अली हैं, इंडियन रेलवे टीम के कैप्टन जिन्हें इंडिया कैंप किए हुए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं सिकंदराबाद रेलवे के जो भोपाल टीम से आ रहे हैं, इंडिया कैंप करे हुए हैं, ज़्यादातर उसमें ऑलमोस्ट इंटरनेशनल प्लेयर हैं। ऐसे ही ग्वालियर है, जिसमें अरमान कुरैशी की टीम लेके आ रहे हैं, हसरत कुरैशी उनके चाचा की है, उस टीम के कोच हैं, और उस टीम में भी 8 से 10 इंटरनेशनल प्लेयर हैं। सिवनी के हॉकी प्रेमी दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम दर्शकों से इतना अपील करना चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और देखें कि हॉकी का स्तर गिरा नहीं है, जबकि पहले से बढ़ा है। जो स्तर सिवनी में कम हुआ है, अदर सिटियों में बढ़ा है, तो इस स्तर को पहले जैसे लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें इस टूर्नामेंट आयोजन के लिए, बस यही अपील करना चाहूँगा। ठीक, धन्यवाद।